हेलो, तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देवघर में महाशिवरात्रि की बारात किस तरह से निकाली जाती है। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और सारे लोग घोड़े पे बैठ करके और झंडा लेकर के निकल पड़े हैं शिव जी की बारात के लिए। अभी आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही होगी क्योंकि अभी जो है वो भीड़ लगनी स्टार्ट हो ही रही है। आप देख सकते हैं इधर कितने सारे लोग खड़े हो चुके हैं अपना स्थान ग्रहण करके, और हम लोग हैं कि घूमने पे ध्यान दे रहे हैं। हम इधर से उधर घूम रहे थे क्योंकि अभी उतनी भीड़ नहीं थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूम फिर लिया जाए। बाद में जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो फिर हम लोगों ने भी सोचा हम कहाँ पे खड़े रहेंगे, तो फिर हम लोगों ने भी अपना एक जगह ले लिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई जो कि फ्री में मिल रही थी, और हम लोगों ने एक जगह टीका भी लगवाया। पर वहाँ पे पहले तो हमें लगा कि वो पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में टीका लगा रहे हैं, पर बाद में पता चला कि वो टीका लगा रहे थे पैसे लेकर के। और हम लोगों ने तो सोचा कि फ्री में लगा रहे हैं, पर हम लोगों ने तो लगवा लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ हैं। हम लोगों ने अपना जगह कोलकाता बाजार के पास ले लिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत आपने देखा होगा अभी कितनी स्पीड में लोग घोड़े के साथ जा रहे थे और वापस से फिर ये लोग रिटर्न जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता। फिर ये लोग इधर से जा रहे थे और इधर से जब ये जा रहे थे वापस तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थे। हम सब तो सोच रहे थे भैया अगर इसके आगे कोई आगे यहाँ पे अब घोड़े जाने के बाद ऊँट की बारी आती है। ऊँट पे बहुत सारे लोग सवार होकर के जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे भी ऊँट पे बैठ करके जा रहे थे और पीछे इनके और भी ज़्यादा बहुत सारे ऊँट थे। फिर हम इन्हें देख रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें देख करके। और यहाँ पे देखते ही देखते बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बहुत आगे बहुत जाम लग चुका था, इस वजह से ये लोग रुके हुए थे। फिर मैंने और आंटी ने थोड़ा हेलो हाई कर दिया कैमरे में बोल करके। ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी आखिर होने क्या वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी कोई सेलिब्रिटी कोई एक्ट्रेस आने वाली है भोजपुरी की, पर मुझे नहीं पता था कि कौन आएंगी और कौन नहीं आने वाले हैं। तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं कौन आएगा कौन आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूत आ चुके हैं और इसे देख करके तो बिल्कुल भी डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे बच्चे पक्का इसे देख करके डर रहे होंगे। और ये अचानक से नीचे जब आता था ना तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। खैर मैं तो पीछे थी, मुझे क्या। इन्हें देख करके आपको भी डर लग रहा है क्या, मुझे कमेंट में बताना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी इन्हें देख करके क्योंकि मुझे पता था ये तो नकली है। वैसे ये लग तो बहुत डरावने रहे हैं देख करके, वैसे ये तो नकली है फिर क्यों। फिर हमें दिखाई दिया कि कोई तो आ रहा था, फिर हमने देखा कि ये तो निशिकांत दुबे जी हैं और उनकी वाइफ है। पर मेरे जो अड़ोस पड़ोस में लोग खड़े थे वो कह रहे थे ये आम्रपाली दुबे हैं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी सुन सुन करके, मैं बता नहीं सकती। और ये है निशिकांत दुबे और उसकी वाइफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी वाकई में। तो लोगों को तो गलतफहमी होगी ही होगी। खैर मुझे क्या, मुझे तो इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ही लोग हाय हेलो कर रहे हैं सबको, सबसे बहुत हंस हंस करके हाय हेलो कर रहे हैं सबको सारे लोग। और देखते देखते फिर अचानक से रितेश पांडे जी आ गए जो कि देखने में बड़े ही फैन सम लग रहे थे। जैसे हम उन्हें टी वी पे देखते सेम टू सेम वैसे ही सामने से भी लग रहे थे। तो ये सबको हमारे हाथ रखे थे हाथ।
राक्षसों के जाने के बाद, दानव के जाने के बाद बारी आती है ऋषि मुनियों के बारा जाने की बारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋषि मुनि सारे लोग जो हैं वो सज धज के बिल्कुल शिव जी की बारात में जा रहे थे। और यहाँ पे ये डीजे है जो कि सारे लोग इसके नीचे जो डांस करते हैं ना वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे लोग जो भी हैं लड़के लोग वो डांस कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे डांस को। हम लोग ने भी देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें भी मन कर रहा था कि हम भी डांस करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग जा रहे हैं शिव जी की बारात में, और ये सब लोग देवता लोग हैं जो कि शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है सारे लाइटिंग वाइटिंग भी जा रही है इधर से ही, और डीजे तो पूछो ही मत, इतने सारे थे ना, इतने सारे मैं बता ही नहीं सकती। और सारे लोग बस डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग इन्हें देख करके एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारे लोग तो अपने गाड़ी के ऊपर से पानी की बोतलें फेंक रहे थे, किसी को दे रहे थे पानी की बोतल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मस्त डांस चल रहा है। मेरा मन तो कर रहा था मैं वॉइस म्यूट ना करूं, पर मुझे करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, इस वजह से मैंने कर दिया। ये सारे ऋषि मुनि लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही लग रहे थे मुझे देखने में, और कोई कोई थे जो कि बने हुए थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋषि मुनि जी लोग जा रहे हैं, और इनके साथ बहुत सारे लोगों ने सेल्फी वगैरह भी ली है। और आगे बहुत जाम भी लग जाता था कभी कभी, मुझे इसका पेड़ देख करके बहुत हंसी आ रही थी, मैं सोच रही थी कि असली है या नकली है। और यहाँ पर भी फिर से एक बार डीजे आ चुकी है, सब लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, और इन्हें देख करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम भी बस डांस करने लग जाएं इनके साथ ही। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये सब लोग बस शिव जी की भक्ति में लीन हो चुके हैं, डांस करने में मगन है, इन्हें कोई होशो हवास नहीं है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से झांकी वाकी निकाली जा रही है, फिर से शिव जी की बारात निकली जा रही है। हम बस वेट कर रहे थे कि कब शिव जी आएंगे, कब शिव जी आएंगे। और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, हम 6:30 बजे पहुँच चुके थे वहाँ पे, और बज गए थे 11:30 हमें घर आते आते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग भी डांस कर रहे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे एकदम से बन चुके हैं राक्षस और दानव। और यहाँ पे ये भगवान जी जा रहे हैं अपने रथ पे सवार होकर के, ये आप देख सकते हैं लव कुश है दोनों, ऐसा लग रहा है ये लव कुश सो रहा है। चंद्रदेव जी की बारी आ चुकी है अभी, और ये राम दरबार है, आप देख सकते हैं ये पूरा दरबार जो है राम जी का है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता, ये तीनों जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। और ये जो दानव है ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं इसे। फिर बारी आती है पवन देव की जो कि अपने रथ पे सवार होके जा रहे हैं शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए। और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कामदेव जी की रथ लगी हुई है, और ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेम टू सेम एकदम भगवान जी के जैसे ही लग रहे थे। और ये राक्षस तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है ये, अगर ये किसी के ऊपर गिरा तो उसका काम तमाम हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर बारी आती है देवताओं की, जो कि आधे देवता जा चुके हैं आधे जा रहे हैं। कुबेर जी, ये हैं कुबेर जी, आप देख सकते हैं ये कृष्ण जी हैं। फिर
रात हो चुकी थी और लोग दीवारों पे और बांसों पे लटक लटक के देख रहे थे। ये लाइटिंग वाइटिंग है और यहाँ पे ये है कृष्ण जी जो कि राधा जी के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार डीजे आ चुका है और सारे लोग डांस कर रहे हैं। मतलब डीजे तो बहुत सारे ही गए, मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत सारे ही थे जो कि सारे लोग डांस कर रहे थे। बस इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब शिव जी आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। इस वजह से हमें लग रहा था अब शायद हमें चले जाना चाहिए, पर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब इतना वेट कर ही लिया तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं शिव जी। तो फाइनली शिव जी आ चुके हैं, हर हर महादेव, अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और फाइनली शिव जी आ चुके हैं, दूल्हे राजा आ चुके हैं, और ये है रात का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना खाली खाली है इधर। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।